हेलो गाइस, आई एम नेहा शर्मा फ्रॉम एस इंग्लिश एकेडमी। टुडे वी गोना लर्न हाउ वी कैन अटैम्प्ट रीडिंग। एस रीडिंग सैशन दे विच आपां तीन टाइप के क्वेश्चंस देखांगे। एक तो विच पैराग्राफ कंटेन्स दिस इंफॉर्मेशन, एंड सेकेंड वन इज़ थ्री, देखो नो मोर दैन थ्री वर्ड। किसी कोई क्वेश्चन दिता हुंदा उहदा आंसर देना हुंदा है। तीसरे है अपने MCQs, और बच्चे इन बहुत ही कन्फ्यूज होंगे MCQs से अपना जो विच पैराग्राफ कंटेन्स दिस इंफॉर्मेशन। ये क्यों होंगे है क्योंकि ये ज़्यादातर अपन कि ज़्यादा कीवर्ड्स अपने माइंड रखने पैंदे है। रीज़न क्योंकि अपन आ सारे क्वेश्चन पढ़ने पैणगे, क्योंकि अगर जे 32 का आंसर अगर मान लो फस्ट पैराग्राफ के ही है तो अपन पता ही नहीं चलना अगर आप नहीं पढ़िया कि यह आंसर अपना टप चुके। तो इस टाइप के क्वेश्चन के सारे ही आंसर क्वेश्चन पढ़ के चलोंगे और ये कीवर्ड लभ के चलोंगे और दूजियां तो विचों एक एक तुम क्वेश्चन पढ़ के चलोंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला है जिमें द प्रोसीजर फॉर सॉर्टिंग थ्रू द रिमेन्स ऑफ फायर। पर इतों पहला आप देख लिए कि अपना पैसेज कहड़ा है। अपना पैसेज है आउट ऑफ द एशेस, आ अपना कीवर्ड है। आउट ऑफ द एशेज मतलब की होएगा कि एक किस टाइप का, मतलब कुछ मच गया और जो रिमेन्स रह गए, एशेज रिमेन्स ही हो गए अग दे, तो उस चीज़ बारे अपन गल की है। किसी चीज़ से अग लगी है वो रिमेन्स बच गए या किन्ना खत्म हो गया कि कुछ उस टाइप का पैराग्राफ है अपना। हुण अपना फस्ट क्वेश्चन देखो कि है द प्रोसीजर फॉर सॉर्टिंग थ्रू द रिमेन्स ऑफ फायर। प्रोसीजर दसना है, सॉर्ट करना मतलब छांटना, थ्रू द रिमेन्स ऑफ फायर मतलब बचे कुछ है जो अग लग गई है, उस बाद जो कुछ बच गया है उन्होंने किस तरीके किस प्रोसीजर उन्होंने सॉर्ट किया है। सैकेंड हाउ अप पार्क लुकड आफ्टर द फायर। जो भी लोकेशन सी अप पार्क है वह नाम, जो बिल्डिंग हो सकती है, कोई एरिया हो सकता है, एक किदा दिख रहा है, उसकी अपीयरेंस दसी होगी फायर तो बाद। इंप्रूवमेंट मेड टू रीबिल्ट अप पार्क, किड़िया इंप्रूवमेंट्स कीतिया गई इनू रीबिल्ड करने वास्ते। द सिलेक्शन ऑफ पीपल टू कैरी आउट द रिपेयर वर्क, हुण किस तरीके लोगों की सिलेक्शन की गई रिपेयर करने वास्ते, मतलब वर्करस नू किवें चुनिया गया। वाई द, हुण इत्थे रीज़न दसे होणगे कि क्यों नैशनल ट्रस्ट ने चूज़ किया रीबिल्ड करना अपवर्क नू। हाउ पीपल रिएक्टेड टू द रीबिल्ड अपवर्क, किवें लोगों ने रिएक्शन दिता। हुण 34 भी पढ़ लिए, ऑन वट डेट इन 1989 शुड द ओरिजिनल रिपेयर्स टू द रूफ हैव बीन कंप्लीटड, भी किन्नी तरीक न 1989 जो ओरिजिनल रिपेयर सी रूफ की वह कंप्लीट होनी सी, हो जानी सी। बाय वट मैथड, चलो एक ही पढ़ा, ये अपन नाल दिन पढ़ते जावे। नैक्सट है द फायर डिस्ट्रॉयड, फायर ने की कुछ डिस्ट्रॉय करता, क्वेश्चन है। आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, ऑन द आफ्टरनून ऑफ 30 अगस्त 1989 फायर ब्रोक आउट एट अपवर्क। कहता भी हूँ 30 तरीक नूं, आपां नूं आंसर भी पूछे भी किन्नी तरीक नूं पूरा होना सी, पूरा होना पूछे। कहता भी अग लग गई 30 तरीक नूं, ए लार्ज 18th सेंचुरी हाउस इन सिसेक्स फॉर अ ईयर बिल्डर्स हैड बीन रीप्लेसिंग द लैड ऑफ द रूफ। कहता भी एक साल तो वो की कर रहे थे रूफ नू रिपेयर कर रहे थे, एंड ए बाई स्ट्रोक ऑफ आयरनी। कहता भी आयरनी की गल, मतलब बड़े संवेद आप कहने पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि ड्यू वर ड्यू टू फिनिश द नैक्सट डे। कहता भी फिनिश होने वाली सी ये जो रिपेयर का काम है अगले ही दिन, मतलब 31 अगस्त, तो आपू काम के कंप्लीशन दे। हूँ बहुत सारे बच्चे की है 30 अगस्त आंसर लगा देंगे, पर 30 अगस्त नू अग लगी है ना कि काम पूरा होना सीगा, तो काम पूरा होना सी ओ होना सीगा अपना 31 अगस्त नू। तो अपना क्वेश्चन केड़ा सी, 34 एदा आंसर आपू मिल गया कि आंसर है 31 अगस्त, तो आपू 34 का आंसर मिल गया। Within 15 minutes of the alarm being sounded, the fire brigade had arrived on the scene. कहता भी फायर ब्रिगेड आ गई सीन पर। Nothing was to survive of priceless collection on the first floor. कुछ भी नहीं बचा first floor, apart from an oil painting of a dog which the firemen swept up as they finally retreated from the blaze. हूँ 34 का अपन आंसर मिल चुका, तो आप 35 का ही पढ़ लिए कि ये नाल ही मिल जाए अपन। By what method were things rescued? ਕਿਹੜੇ method ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ immediately ਉਦੋਂ ਹੀ from burning house, ਮੱਚਦੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ but due to the courage and swift action of, swift ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ action ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ,
ऑफ द प्रीवियस ओनर्स द मीड फिदरॉन्स फैमिली एंड द स्टाफ स्टीवर्ड्स एंड विजिटर्स टू द हाउस हु फॉर्मड ह्यूमन चेन उन्होंने की बनाई एक ह्यूमन चेन्स बनाइया टू पास द प्रीशियस पीसिज ऑफ पोर्सलिन फर्नीचर पेंटिंग्स आउट ऑन टू द लॉन वो सारिया चीज़ें कितने लै गए लॉन से लै गए 95% ऑफ द कॉन्टेंट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड बेसमेंट वर सेव्ड किस तरीके देखो उन्होंने अपना क्वेश्चन देखो वधिया होया आप पढ़ लिया 35 दे उन्हें कहा भी इमीडिएटली मचते हुए घर चो रेस्क्यू करने वास्ते उन्हें कहड़ा मैथड यूज़ किया हूँ मैथड ये कि होएगा उन्होंने एक विजिटर से उत्थे हाउस मैंबर से जिन्हें भी हु फॉर्मड ह्यूमन चेन्स उन्होंने ह्यूमन चेन्स बनाइया जिदे नाल सारिया समान जो है लॉन के लिया गया तो अपन आंसर मिल गया 35 का ह्यूमन चेन्स नैक्सट क्वेश्चन भी पढ़ लें आफ्टर द फायर फायर तो बाद कहिंदा वट डिड कंजरवेटर्स रिक्वायर कंजरवेटर्स नूं की जरूरत सी लार्ज क्वांटिटी दे विच इमीडिएटली नाल दी नाल ये ध्यान रखियो की चीज़ चाहिए सी उन्हों आफ्टर द फायर टू पास द प्रीशियस आप पढ़ चुके हैं एज द फायर कंटिन्यू टू रेज कहिंदा भी जदों फायर वधदी गई द नैशनल ट्रस्ट कंजरवेटर्स वर बीइंग मोबलाइज्ड कंजरवेटर अपना कीवर्ड मिल गया अपन एंड द ईवनिंग लोकल स्टेशनर्स वर स्पेशली ओपन टू प्रोवाइड द बल्क सप्लाईज ऑफ ब्लोटिंग पेपर सो डेस्परेटली नीडेड इन द सैलवेज ऑपरेशन तो हूँ डेस्परेटली नीडेड मतलब बहुत ही ज़्यादा इमीडिएटली हो गया जरूर चाहिए और लार्ज क्वांटिटी का मतलब इन्होंने वर्ड देता बल्क बल्क सप्लाई कादी चाहिए सी ब्लोटिंग पेपर की तो आप आंसर 36 का मिल गया ब्लोटिंग पेपर तो हूँ पूरे पैराग्राफ के आग दी गली है भी की किस चीज कोच सारिया चीज़ा खत्म हो गई तो आंसर देखो यदा कुछ बनता है अपन द प्रोसीजर ऑफ सोर्टिंग आउट थ्रू रिमेन्स सोर्ट करना देखो अग तो हले सिर्फ समान बचाया उन्होंने सोर्ट करने बारे कोई गल नहीं आखी हाउ अपवर्ड लुक आफ्टर द फायर हले उनके लुक अपीयरेंस बारे सिर्फ अग लगी है इंप्रूवमेंट मेड टू रीबिल्ड नहीं सिलेक्शन ऑफ पीपल कैरियड हले तो अग ही लगी है नैशनल ट्रस्ट रीबिल्ड अपवर क्यों बनाया हले रीबिल्ड तो किया ही नहीं सिर्फ नैशनल ट्रस्ट पीपल ने उन्होंने मतलब अग लगन तो बाद बचाने की कोशिश की है हाउ पीपल रिएक्टेड टू द चलो इन्होंने कोई आंसर नहीं आया नैक्सट देखते हैं द फायर डिस्ट्रॉयड फायर ने की करता ऑल द कंटेंट ऑफ द ग्राउंड फ्लोर कहिंदा ग्राउंड फ्लोर का सारा कॉन्टेंट कहिंदा मच गया पर उन्होंने तो कहता 95% तो बचा लिया ग्राउंड फ्लोर तो भी तो बेसमेंट तो भी तो ही कैंसल हो गया सैकेंड देखते हैं मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द बेसमेंट बेसमेंट का जिन्ना नहीं नहीं बेसमेंट का भी समान बचा लिया उन्होंने द रूफ ऑफ द हाउस ऑल द कंटेंट ऑफ द फस्ट फ्लोर हूँ फस्ट फ्लोर का कॉन्टेंट सारा नहीं गया क्योंकि उन्होंने क्या वो एक डॉग की पेंटिंग उन्होंने बचा ली सी इतने मैनशन किया फस्ट फ्लोर से फस्ट फ्लोर अपार्ट फ्रॉम एन ऑयल पेंटिंग ऑफ अ डॉग विच द फायरमैन स्वैप्ट अप हूँ देखो तीनों अपने कैंसल हो गए आ बचे पर हाले भी अपन यदि श्योरिटी नहीं हैगी भी यही आंसर आऊगा क्योंकि शायद यदा आंसर अगे पिया हो पर ये मैं कैंसल करने पै गए क्योंकि ये वर्डिंग आ गई सी ऑलरेडी अगे देखते हैं द फॉलोइंग मोरनिंग अपवर्क स्टूड ओपन टू स्काई हूँ कहना भी अगले दिन जोड़ा अपवर्ड से ओपन टू स्काई सी मतलब सारा कुछ उपरली जो छत सी उड गई सी खत्म हो गई सी तो सारा कुछ आर पार दिख रहा है तो इतों अपन क्लीयर हो गया कि अपना आंसर की है सी है नैक्सट आप क्वेश्चन पढ़ लें ताकि अपन दिक्कत ना आए वन ऑफ द रीज़न नैशनल ट्रस्ट डिसाइड टू रीबिल्ड द अपवर्क वॉज दैट की रीज़न से इस स्लज ऑफ वैट चारकोल कवर्ड द ग्राउंड फ्लोर एंड बेसमेंट मतलब बेसमेंट से सारा चारकोल हो गया धुआं मतलब जो धुआं मजदा चारकोल उड़ता एंड इन एवरी रूम चार्ड एंड फॉलन टिम्बर ले अमंग्स द स्मोक इट वॉज अ सीन ऑफ अटर डिवास्टेशन ये सारा सीन कहता सी कि इन्नी ज़्यादा डिवास्टेशन इन्ना ज़्यादा खतरनाक विनाश होया तो यह सारा की दस्या अपवर्क की लुक दी है आफ्टर द फायर अपन यही चीज़ दस्या भी स्काई मतलब दिख रहा सी चारकोल ही सारे पासे सीगा दिख रहा सी भी किन्ना डिवास्टेशन होया तो आपां किदे कीवर्ड्स मिले ने कि किस तरीके अपवर्ड दिख रहा सी आफ्टर द फायर तो आंसर आपां कीवर्ड सीधा मिल गया बी वास्ते होर किसी वास्ते ये चीज़ा नहीं क्योंकि आपां माइंड च रहिंदी है जो आप पढ़ लें तो आपां कीवर्ड्स माइंड च रहिंदे तो किस बारे गल की है ठीक है जी
हूँ आप 34, 35, 36 मैं सोनू करवा चुकी हूँ, 37 का भी कीवर्ड, इन टू वट डिड कंजरवेटर पुट मटीरियल रिकवर्ड फ्रॉम द फायर, कादे विच जो कंजरवेटर्स ने आपका मटीरियल पुट किया रिकवर्ड फ्रॉम द फायर, जो उन्होंने फायर तो रिकवर किया। हुण इहदे बारे तां कोई गल नहीं आई ना, नैक्सट देखते हैं। आफ्टर द इनिशियल सेंस ऑफ द शॉक, मतलब हैरान हो गए जदों, द डेज विच फॉलोड द फायर वर फिल्ड विद डिस्कवरीज हेल्प बाय वॉलंटियर्स एंड द नैशनल ट्रस्ट आर्क्योलॉजिस्ट एंड कंजरवेटर्स। फिर आ गया नैशनल ट्रस्ट आर्क्योलॉजिस्ट एंड कंजरवेटर्स स्वंग इन टू एक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्किंग द साइट आउट इन टू ए ग्रिड, उन्होंने ग्रिड च मतलब मार्क करता, एंड दैन सालवेजिंग एवरीथिंग डाउन टू द लास्ट स्टोर हैंडल, द पोजिशन ऑफ ईच फ्रैगमेंट वॉज रिकॉर्डेड, हर एक टुकड़े की जो पोजिशन से उन्होंने रिकॉर्ड किया गया, एंड ऑल द डेबरिस वॉज स्टोर्ड इन काउंटलैस डस्टबिन, जोड़ा डेबरिस वो कितने स्टोर किया गया, काउंटलैस डस्टबिन बिफोर बीइंग शिफ्टड एंड कैटागराइज, कैटागराइज करन तो पहला, शिफ्ट करन तो पहला उन्होंने किन्ना किया गया, काउंटलैस डस्टबिन्स के विच। तो इतने अपन क्या, वट डिड द कंजरवेटर पुट मटीरियल रिकवर्ड फ्रॉम द फायर, फायर के जोड़ा उन्होंने कंजरवेटर्स मटीरियल मिले से कह च पाया उन्होंने, तो अपन आंसर मिल गया कि यह उन्होंने काउंटलैस डस्टबिन च पाया से, तो आंसर आ गया अपना 36 का। हुण इहदे च पूरी पैराग्राफ दे विच किस चीज़ की गल की वह देख लें, आप किसी का आंसर मिलता अपन। प्रोसीजर फॉर सोर्टिंग सोर्टिंग थ्रू द रिमेन्स ऑफ द फायर, प्रोसीजर दिता इन्होंने, कैटागराइज वर्ड देता इन्होंने, कहता भी उन्होंने स्टोर किए काउंटलैस डस्टबिन, डस्टबिन अलग अलग डस्टबिन उन्होंने स्टोर किया समझ लो, बिफोर बीइंग शिफ्टड, शिफ्ट कर तो पहला, तो कैटागराइज कर तो पहला, तो यद सुनो प्रोसीजर ए बन एदा सी आ सकता है, और देखते इंप्रूवमेंट मेड नहीं सिलेक्शन, कोई नैशनल ट्रस्ट रीबिल्ड क्यों चूज़ किया, ये भी नहीं आंसर एदा आजूगा सी। नैक्सट देखते हैं आप, भी आंसर देखी चलिए क्वेश्चन का की पूछे, डिसाइड नैशनल पार्क ने क्यों डिसाइड किया इस पार्क को रीबिल्ड करने वास्ते, ध्यान रखियो कीवर्ड्स, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देर वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट एज रिमेनेंट ऑफ द लैटरन फ्रॉम द स्टेयर केस हॉल वर पुल्ड आउट फ्रॉम द डेबरिस ऑफ टू फॉलन फ्लोर्स, एंड थ्री वीक्स लेटर वैन द रेड रूम कारपेट थॉट टू हैव बीन टोटली लॉस्ट वॉज फाउंड रैप्ड अराउंड द रिमेन्स ऑफ पियानो, देर वॉज ए लकी रिप्राइव ऑफ द स्टेट बेड टू स्टाफ हू हैड लेफ्ट द सीन एट 3 AM ऑन द नाइट ऑफ द फायर हैड थॉट इट्स लॉस वॉज इनएविटेबल, भी इनएविटेबल मतलब ये मच ही जाना सीगा, कहिंदा जिन्हां ने पियानो वगैरह पियानो बच गया, पर कहिंदा भी उन्होंने सोचा सी मच ही जाना है, बट वैन दे रिटर्न द नैक्सट मॉर्निंग इट वॉज हैड एसकेप्ड, भी बच गया सी लार्जली अनडैमेज्ड, बहुत ज़्यादा एरिया जा सी कि वो डैमेज नहीं होया, फायरमैन डायरेक्टेड बाय द नैशनल ट्रस्ट कंजरवेटर्स फ्रॉम आउटसाइड द टैप्सरी रूम विंडो डिसमेंटल द सिल्क हंग बैड एंड पास्ट इट आउट पीस बाय पीस, 20 मिनट लेटर द सीलिंग फैल इन, सीलिंग फैल होगी। हुण इहदे च कोई कीवर्ड तो मैनूं लगदा नहीं मिलिया, क्यों रीबिल्ड किया उहदे बारे मैनशन नहीं किया हैगा, किस तरीके लग रहा इंप्रूवमेंट्स की कीतियां गईयां, इंप्रूवमेंट्स की गल वो तो सिर्फ एक चीज़ बच गई उहदे बारे मैनशन किया होया, क्यों लोग किवें सिलेक्ट किए, लोगों की गल नहीं हुई, ट्रस्ट ने क्यों चूज़ किया भी यह क्यों रिपेयर किया जाना चाहिए, हाउ पीपल रिएक्टेड, ऐसी कोई गल नहीं हुई। चलो नैक्सट देखते हैं, कई बार इदा होंगे कि एक पैसेज कोई गल नहीं की होंगी तो पैनिक नहीं करना, पढ़ते जाना आप, द स्केल ऑफ द टास्क टू रिपेयर अप वाक वॉज अनप्रेसीडेंटेड इन द नैशनल ट्रस्ट, द इमीडिएट क्वेश्चन वॉज वैदर इट शुड बी डन एट ऑल, हम रिपेयर की गल आ गई, द स्केल ऑफ द टास्क टू रिपेयर अनप्रेसीडेंट सी, और द इमीडिएट क्वेश्चन की सीगा कि इनू किवें किया जाना चाहिए, ए डिसीजन हैड टू बी टेकन क्विकली एज द बिल्डिंग वॉज अनसाउंड, कहिंदा भी बिल्डिंग खराब स्थिति सी, वट एवर हैड नॉट बीन डैमेज्ड बाय द फायर वॉज एक्सपोज टू द एलीमेंट, विद इन ए मंथ आफ्टर कंसल्टिंग मैनी एक्सपर्ट्स एंड विद इन द अग्रीमेंट ऑफ नैशनल ट्रस्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी द रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम बिगेन, हूँ देखो कहता भी रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम शुरू हो गया, मतलब उन्होंने सुधारण का उन्होंने ठीक करने का प्रोग्राम शुरू हो गया, इट वॉज टेकन फॉर 3 मेन रीजन, 3 रीजन से
जिदे करके ये किया गया। आफ्टर द फायर इट हैड बिकम अपेरेंट जस्ट हाउ मच रिमेनड ऑफ द स्ट्रक्चर विद इट्स स्पलेंडिटी डेकोरेटड इंटीरियर टू हैव पुल्ड द हाउस डाउन एज वन कमेंटेड सजेस्टेड वुड हैव बीन वेंडलिजम। ऑल्सो द प्रॉपर्टी वॉज कवर्ड बाय इंश्योरेंस, कहता भी प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस नाल कवर्ड सी, सो द प्रिपेयर वुड नॉट कॉल अपॉन द ट्रस्ट ऑन फंड। कहता भी एक तो इंश्योरेंस है प्रॉपर्टी का, तो पैसा फंड ट्रस्ट में नहीं देना पैना सी। लास्टली मच हैड बीन सेव्ड फॉर ऑन ऑफ द फाइन कलैक्शन अक्वायर्ड एक्सपैशली द फ्लोर अप वर्क फ्रॉम 1747 बाय सर मैथ्यू फेदरॉन एंड हिज सन हैनरी, भी ज़्यादातर जो चीज़ा से वो बचा लिया गई अपवर्क तो। दीज ऑबजैक्ट बिलोंग नो वेयर एल्स एंड कंप्लीट रिस्टोरेशन, मतलब एक नू होर कितने नहीं लगाया जा सकता सी, तां करके कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ द हाउस वुड अलाउ दैम टू बी सीन एंड इंजॉयड अगेन इन द ओरिजिनल सैटिंग, भी मतलब जड़िया चीज़ा उत्थे पईयां उत्थों वास्ते ही सूट कर दी, कि होर नहीं रख सकते सी, तां करके ही तीन रीज़न ने। एक तो भी पैसा नहीं लाना पैना सी, दूजा उदियां चीज़ां बचा लिया गई सी, जिहड़ियां चीज़ां उत्थे पईयां सी उत्थे वास्ते सूट कर दियां सी। फर्स्ट सीगा अपना कि द फायर इट हैड बिकेम अपेरेंट हाउ मच हैड मच रिमेंड ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब किन्ना स्ट्रक्चर बच गया, एंड इट्स स्पलेंडिडली डेकोरेटड इंटीरियर, जिहड़ा शानदार जो डेकोरेटड इंटीरियर सी वो भी बच गया, टू हैव पुल द हाउस डाउन। चलो नेक्स्ट देखते हैं अन्ना जो आंसर आपां दिता भी क्यों इंप्रूवमेंट वाई नैशनल ट्रस्ट चूज टू रीबिल्ड द अपवर्क, 32 का आंसर आपां मिल चुके हैं भी क्यों ने हाँ की भी आप रिपेयर करते हैं। दूसरा वन ऑफ द रीज़न ऑफ नैशनल ट्रस्ट डिसाइड टू अपवर्क वॉज दैट, की सीगा कि मीड फैदरो जो नाम है फैमिली वॉन्टेड दैम टू, भी वह चाहते सी भी वह ठीक कर फैमिली चाहती सी उन्हों की, एंड द बिल्डिंग एज इट स्टूड वॉज अनसाउंड, क्योंकि बिल्डिंग जी खड़ी सी अनसाउंड सी करके रिपेयर करना चाहिए नहीं, वाई दे वुडंट हैव टू पे फॉर द रिपेयर, उन्होंने पे नहीं करना पेगा, ये तो अपन पता भी दसिया भी उन्होंने पे नहीं करना पैना क्योंकि इंश्योरेंस ही, नथिंग ऑन हिज दिस स्केल हैड बीन ट्राइड बिफोर, नहीं इदा की कोई गल नहीं की उन्होंने। अगला पढ़ लिए सम ऑफ द क्राफ्टमैन एंड वूमेन इंप्लॉयड इन द रेस्टोरेशन ऑफ द अपवर्क हैव बेनीफिटड बिकॉज, कादे करके बेनीफिट होया उन्होंने। नैक्सट देखते हैं द सर्च फॉर क्राफ्टमैन एंड वूमेन केपेबल फॉर डूइंग द इंटीरियर रेस्टोरेशन वर्क वॉज नैशनल वाइड वंस द क्वालिटी एंड स्किल ऑफ द इंडिविजुअल एंड कंपनी हैड बीन असर्टेन, कहता भी जो जो लोग ने काम कर क्राफ्टमैन ने वूमेन ने जो इन्ह की क्वालिटी इन्हों की स्किल जो है असर्टेन कर ले गए निश्चित कर ले गए, दे हैड टू पास एन इकनोमिक टैसट, उन्होंने इकनोमिक टैसट भी देना पे एज एवरी जॉब वॉज कंप्लीटली टेंडर, दिस वॉज हैड इनॉर्मस बेनीफिट बिकॉज नॉट ओनली हैव अ नंबर ऑफ हाईली स्किल्ड पीपल कम टू द फोर, मतलब इनू रिपेयर करने वास्ते हाईली स्किल्ड लोग आए, वुड क्रेवर फॉर एग्जाम्पल कारवर फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग इन द फुटस्टैप ऑफ ग्रिलिंग गोबलिंग्स, बट मैनी ऑफ दैम फॉर एग्जाम्पल प्लास्टर्स हैव रीलर्न द स्किल, वो रीलर्न करे स्किल्स नू ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरी, मतलब जेडे जो 17th एंड 18th सेंचुरी दे विच स्किल्स सीगे वो दोबारा सीखे जाएंगे उन्होंने द्वारा, विच कैन नाउ बी यूज ऑर टू अदर कंट्री हाउस ओनर वैन द नीड अराइज, भी इन्हों कद भी वो यूज़ कर सकते हैं जो भी जरूरत पवे। तो हूँ ये बारे इस गल कदी की गई है अपने क्वेश्चन दे विच पैराग्राफ दे विच, सब तो पहला पाए देखिए कि केड़े लोग चुने गए, द सिलेक्शन ऑफ पीपल टू कैरी आउट द रिपेयर वर्क, ए बारे गल की है। फिर अपन गल की है विमेन क्राफ्टमैन, दे वर वेरी वेल पेड, पेड की पेमेंट की कोई गल ही नहीं हुई, छड़ दो इनू। फिर कहता भी देर बिजनेस हैव बिकम मोर कंपीटेटिव, नहीं गल ही नहीं की कंपीटिशन की। दे वर एबल टू वर्क विद ग्रिलिंग गोबिजन, ए नाम जरूर आया भी वो काम कर पागे। दे अक्वायर स्किल दे डिंट हैव प्रीवियसली, वो स्किल सीखणगे जिहड़ा उन्हां कोल है नहीं, उन्होंने आख्या ना भी 17-16 हुण ओबियसली कि उन्हां कोल ए वाले स्किल नहीं होणगे। तां एक जो उहदा नाम आया सी वुड क्रेवर फॉलोइंग इन टू द फुल फुट स्टैप्स ऑफ ग्रिलिंग गोबिसिन, बट मैनी ऑफ दैम फॉर एग्जाम्पल प्लास्टर्स, ये तो सिर्फ नाम दिता है, नाम आ गया वो आए दसिया भी वो काम करना है या नहीं करना। इतने जरूर आख्या भी वह रीलर्न करे जे 18वीं 18वीं सदी के जोड़े स्किल है वह सीखे, तो यदा आंसर आऊगा
डी। इस तरीके तुसीं कैंसल आउट कर सकते हो जिहड़े च अपन डाउट आ उहनूं दुबारा पढ़ के आपदे जो डाउट्स आ उह क्लीयर कर सकते हो। हुण अपने आंसर रह क्वेश्चन रह गए दो, इंप्रूवमेंट्स मेड एंड हाउ पीपल रिएक्टेड। नैक्सट देखते हैं, इन जून 1994 द बिल्डिंग प्रोग्राम वॉज कंप्लीटेड ऑन द टाइम एंड ऑन टाइम एंड ऑन बजट। द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क टू रिपेयर द हाउस एंड इट्स कॉन्टेंट केम टू बी नियरली 20 million, लार्जली मेट फ्रॉम इंश्योरेंस। इन एडिशन इट मेड इकोनॉमिक सेंस फॉर द नैशनल ट्रस्ट टू इनवेस्ट टाइम एंड मनी इन अपग्रेडिंग वाटर एंड हीटिंग सिस्टम। हुण एक इंप्रूवमेंट्स की गल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा भी हुण नवे नैशनल ट्रस्ट ने इनवैसट किया टाइम तो मनी की करने वास्ते अपग्रेड करने वास्ते वो वाटर से हीटिंग सिस्टम इंस्टॉलिंग मॉडर्न ने इनवायरमेंटल कंट्रोल और अपडेटिंग फायर एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट। ये सारे की हैं जो नवी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। ओबियसली तो यह आंसर की आना है, इंप्रूवमेंट्स वाले का आंसर आना है जी। वैसे आप अगले दा अखा मिच के ला सकते हैं पर फिर भी पढ़ लिए। द फाइनल स्टेज ऑफ रेस्टोरेशन एंड द मैसिव प्रोग्राम फॉर री इंस्टॉलेशन टुक 8 months, 8 महीने लगे। द फैमिली एंड द रूम स्टीवर्ड वर विजिबली मूव्ड व्हेन रिटर्निंग टू देयर ओल्ड हॉन्ट्स। परहैप्स द बेस्ट टेस्टमेंट दैट द स्पिरिट ऑफ अपवर्क हैड नॉट डाइड बट द डिबेट विल नो डाउट कंटिन्यू। ये डिबेट लोग ही करेंगे, एज द वैदर और नॉट इट वॉज राइट टू रिपेयर द हाउस और आफ्टर द फायर। भी कि यह ठीक सी या नहीं सी इनू ठीक करना अग लगन तो बाद। द नैशनल ट्रस्ट हैज़ डन इट बेस्ट टू रिमेन ट्रू टू अपवर्क, इट इज़ द अदर टू जज सक्सैस ऑफ द प्रोजेक्ट। ये सारे लोगों के रिएक्शन दिते है तो अपन आंसर मिल गया अपने लास्ट वाले क्वेश्चन का एच। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन अटैम्प्ट यूर आंसरस। ए आंसर तो नहीं लिखे, बड़ा टाइम लग जाता मैं इतने ही देख लो 31-30 जो आंसर लिखे मैं उत्थे आंसर देते हैं। आई होप यू लाइक इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स, अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू कैन ईजली आंसर यूर क्वेश्चनस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू विल लाइक इट।